अपिल्य नगरी के लिए यह बड़े गौरव की घड़ी है कि मैं आज अपने पिताश्री की ओर से आप सब वीरों का अभिनंदन कर रहा हूं। भारतवर्ष का हर वीर और महावीर इस समय यहां उपस्थित है और जो अनुपस्थित है वो निसंदेह वीर नहीं हो सकता। और ये है मेरी बहन महाराज कुमारी द्रौपदी। दूसरा ब्राह्मण पुत्र तो बहुत ही खाया पिया लगता है। वो ब्राह्मण पुत्र है ही नहीं दाऊ। उसने तुम्हें क्यों प्रणाम किया? ये तो वो ही जाने दाऊ। तुम प्रश्नों के सीधे उत्तर क्यों नहीं देते? क्योंकि आपका कोई प्रश्न सीधा होता ही नहीं। तो क्या तुम उसे जानते हो? उसे तो आप भी जानते हैं दाऊ। जो आगे था वो युधिष्ठिर है और वो दूसरा खाया पिया ब्राह्मण पुत्र वास्तव में भीम है। और फिर अर्जुन है, फिर नकुल है और फिर सहदेव है। जी हाँ, मैं यही तो कहने जा रहा था दाऊ। तुम्हें तो पांडवों के अतिरिक्त और कोई दिखाई नहीं देता। वे बेचारे तो वाराणावत में जल के भस्म हो चुके हैं। मुझे धृष्टद्युम्न की बात सुनने दो। हमारे पिताश्री ने आप सब महावीरों को इस स्वयंवर में आमंत्रित किया है। वो रहा आपका लक्ष्य, मत्स्य की घूमती हुई आंख, परंतु उसके नीचे तैल पात्र में मत्स्य प्रतिबिंब को देखते हुए आप लक्ष्य साधेंगे और बाण चलाएंगे। जो महावीर इस लक्ष्य वेद में सफल होगा उसी के गले में मेरी बहन दिव्य जन्मा द्रौपदी वरमाला डाल दी। तो महावीरों, वो रहा लक्ष्य, वो रहे पांच बाण और वो रहा यज्ञ धनुष। तुम बहुत भाग्यशाली हो द्रौपदी, क्योंकि भारत के श्रेष्ठ वीर तुम्हारी वरमाला की आकांक्षा में यहां पधारे हैं। मैं आप सबको आमंत्रित करता हूं कि अपना अपना प्रयास आरंभ करें। तनिक इसकी आन बान तो देखो कृष्ण। देख रहा हूं दाऊ, देख रहा हूं। देख रहे हैं ना दाऊ,
आचार्य ने अपने शिष्य को यह नहीं सिखाया कि वीर पुरुष को अभिमान शोभा नहीं देता। Thank you.
अरे अब मुंह लटकाने से क्या होगा बांजे, हस्तिनापुर की तो नाक ही कट गई। कर्ण के होते हुए हस्तिनापुर की नाक नहीं कट सकती मामा श्री। मेरी वरमाला किसी सूत पुत्र के लिए नहीं है। यदि ऐसा है तब तो तुम्हारी वरमाला प्रतीक्षा करते करते सूख जाएगी महाराज कुमारी। ऋषियों नदियों और वीरों का गोत्र नहीं होता महाराज द्रुपद। आपकी सभा में मेरे परम मित्र अंगराज करण का अपमान हुआ है। यदि आपके स्वयंवर में यह प्रतिबंध था तो स्वयंवर के शुभारंभ से पहले ही आपको यह बता देना चाहिए था। हस्तिनापुर के युवराज को इतने ऊंचे स्वर में बोलकर अपने अतिथेय का अपमान नहीं करना चाहिए। अंगराज करण हमारे अतिथि हैं, परंतु उनको स्वयंवर की परंपरा का ज्ञान तो होना चाहिए था। और द्रोण शिष्य दुर्योधन से अधिक और कौन जान सकता है कि मित्रता ही की तरह नाता भी अपने बराबर वालों के साथ होना चाहिए। और मेरी बहन दिव्य जन्मा द्रौपदी, उसके हाथ में वरमाला है। यदि वो किसी सूत पुत्र के साथ विवाह नहीं करना चाहती तो उसका विवाह किसी सूत पुत्र के साथ नहीं होगा।
और जाते जाते अंगराज लगता है ठीक है गए। मैं तो सोच रहा था कि इस स्वयंवर में जहां युवराज दुर्योधन, राजकुमार दुशासन, सात्यकी, महाराज जयद्रथ और महाराज जरासंध जैसे योद्धा बैठे, वहां पर इस लक्ष्य वेदन में भला क्या कठिनाई आ सकती है। कोई ना कोई महावीर तो मेरी बहन की वरमाला से धन्य हो ही जाएगा, परंतु लगता है कि कुंती पुत्र अर्जुन के साथ धनुर्विद्या भी उसी लाक्षाग्रह में जल के भस्म हो गई। क्या इस स्वयंवर में कोई भी महावीर नहीं है जो लक्ष्य वेदन करके भारतवर्ष की धनुर्विद्या का मान रख सके? ना तो ये यज्ञ धनुष शब्दों का बना हुआ है ब्राह्मण, और ना ही ये स्वयंवर लक्ष्य, जिस धनुष पर यहाँ पर उपस्थित सारे क्षत्रिय वीर प्रत्यंचा न चढ़ा सके, उस पर प्रत्यंचा चढ़ाना किसी ब्राह्मण के बस का रोग नहीं। चाल से तो ब्राह्मण नहीं लगता ही। सीधा शरीर देखो, हाथी की सूंड जैसा बल दिखता है। भुजाएं देखो, कंधे देखो, वाह, विजयी होने के यही लक्षण होते हैं।
कुमार की, ब्राह्मण कुमार की। पंचाल नरेश, आपने इस ब्राह्मण को स्वयंवर धनुष को हाथ लगाने की आज्ञा देकर राज समाज का अपमान किया है। राज समाज ने लक्ष्य भेद न करके स्वयं अपना अपमान किया है मगन नरेश। पंचाल नरेश, क्या आपने ये लक्ष्म क्षत्रियों का अपमान करने के लिए बनाया था? आप लोगों ने हमारा अपमान किया है पंचाल नरेश, आपने हमारा अपमान किया है। स्वयंवर में राज समाज के सदस्यों के अतिरिक्त किसी को भी भाग लेने का अधिकार नहीं है। ये कौन कहता है मगध नरेश? मैं ग्वालों से वाद विवाद करके अपने आप को अपमानित नहीं करना चाहता। ये कहकर आपने द्वारिका गणराज्य का अपमान किया है मगध नरेश। वो दिन भूल गए आप जब हम दोनों भाइयों ने आपको सेना समेत मथुरा से खदेड़ दिया था? ये हमारे नाना लगते हैं दाऊ, इनका आदर करना तो हमारा कर्तव्य है, और फिर क्रोध की पूंजी लुटाने के लिए तो नहीं होती। ये तो देख लिया कीजिए कि सामने वाला आपके क्रोध के योग्य है भी या नहीं। वो आशीर्वाद हो या शाप, बहुत सोच समझ के देना चाहिए। मैंने ऐसा बड़ बोला नहीं देखा। परंतु प्रश्न यहाँ ये नहीं है कि मगध नरेश का वासुदेव से क्या नाता है। प्रश्न यहाँ ये है कि पंचाल नरेश ने एक ब्राह्मण को स्वयंवर में भाग लेने की आज्ञा देकर राज समाज का अपमान किया है, और इन्हें इस अपराध का दंड मिलना ही चाहिए। किस अपराध का दंड मद्र नरेश? पंचाल नरेश ने एक ब्राह्मण को स्वयंवर में भाग लेने दिया है, इसे आप लोग अपराध कैसे कह सकते हैं? क्षत्रियों का ये राज समाज तो स्वयं ही एक ब्राह्मण की देन है। हम आपकी बातों में आने वाले नहीं वासुदेव कृष्ण। मैं जानता हूं, ये मैं भली भांति जानता हूं गांधारी नंदन। दादाजी कहो तो उठा के पटक दो। क्रोध में तू बलराम जी से कम नहीं हो अनुज। शांत रहने से बड़ा ना कोई शस्त्र है और ना कोई अस्त्र। अर्जुन का ध्यान रखना। अब तो एक ही उपाय है पंचाल नरेश, या तो अपनी पुत्री को आदेश दो कि हम में से किसी एक को अपना वर चुन ले, या फिर हम उसे उसी अग्निकुंड में फेंक देंगे जिससे वो उत्पन्न हुई थी। झोंक दो अग्निकुंड में। नहीं युवराज, पांचाली अब मेरा उत्तरदायित्व है। झोंक दो से अग्निकुंड में, झोंक दो, फूंक दो अग्निकुंड में, झोंक दो अग्निकुंड में, झोंक दो। झोंक दो अग्निकुंड में। यदि कोई आगे आया तो ठोक के पटक दूंगा। यदि तुम्हारी इस वरमाला पर मैंने अपना अधिकार सिद्ध कर दिया हो तो इस वरमाला से मुझे धन्य करो राजकुमारी। लो अंगराज। सावधान। गुरु परशुराम, द्रोणाचार्य, इंद्र और अर्जुन के अतिरिक्त कर्ण का धनुष कोई तोड़ नहीं सकता था।
मैं तुम्हारे गुरु को प्रणाम करता हूं ब्राह्मण। तो आप मानिएगा दाऊ कि ये पांडव ही हो सकते हैं। मैं बुआ कुंती के पुत्रों को जीवित देखकर अति प्रसन्न हूं कृष्ण। तो मेरा शिष्य भीम है। जी हाँ, और वो जो हारा हुआ खड़ा है वो भी आपका प्रिय कुरु कुमार दुर्योधन है। ठीक है ठीक है, अब ये संघर्ष बंद करवाओ। जो आज्ञा दाऊ। राज समाज के सदस्यों, यदुवंशियों की ओर से मैं द्रौपदी स्वयंवर की सफलता पर पंचाल नरेश को हार्दिक बधाई देता हूं। इस नवयुवक ने इस भरे स्वयंवर भवन में द्रौपदी की वरमाला पर अपना अधिकार सिद्ध किया है और द्रौपदी ने भी उसे वरमाला पहना दी है, तो राज समाज के क्रोधित होने का कोई कारण ही नहीं है। राज समाज को तो लज्जित होना चाहिए। सौभाग्यवती भव। अब द्रौपदी को अपने घर ले जाओ प्रिय ब्राह्मण।